स्टूडेंट क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, वैस्कुलर डिसऑर्डर जिसकी एग्जांपल है पैरालिसिस और फंक्शनल डिसऑर्डर जिसकी एग्जांपल है एपिलेप्सी। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इंटू टू मेन टाइप्स, डैट इज वैस्कुलर डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी। वैस्कुलर डिसऑर्डर आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम, वाइल फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। पैरालिसिस इज अ कम्प्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल्स। पैरालिसिस जो है एक या एक से ज़्यादा मसल्स की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना है। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ये आमतौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के डैमेज होने की वजह से होता है। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, रेप्चर इन द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स और पॉइजनस प्रोडक्शन बाय पोलियो वायरस। यानी इसकी जो काजेज हैं, वजूहत हैं, वो ये हो सकता है कि कोई शरियान जो है फट जाती है दिमाग के अंदर या स्पाइनल कार्ड के अंदर, या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की सप्लाई में जो कि ब्रेन को सप्लाई हो जाती है, या जो पोलियो वायरस है उसकी वजह से कोई जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज और हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी। मरीज में या तो कोई हल्का फुल्का पैरालिसिस होगा, डैमेज होगा, या कोई एक साइड पूरी डैमेज हो जाएगी। देयर मे आल्सो बी पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और इन ऑल फोर लिम्स। या निचला हिस्सा जो है पैरालाइज हो जाएगा, या चारों के चारों जो लिम्स हैं वो पैरालाइज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ नर्व डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। ये क्या है, नर्व डिसऑर्डर है, इसमें या तो ज़्यादा जो है नर्व इम्पल्स सीक्रेट होती हैं ब्रेन से या कम। इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट्स। अ सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्विशंस। इसमें क्या होता है कि आपकी ख्वाहिशात के बरक्स जो है नर्व इम्पल्स सिक्रीट होती हैं और इसकी वजह से आपका बॉडी जो है मुसलसल जो है मूव करती रहती है, और ये जो है आम तौर पर जो है टेम्परेरी होता है। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल काजेज। यंगर्स में जो है जेनेटिक या डेवलपमेंट काजेज हो सकती है, यानी डिवेलपमेंट के दौरान कोई कमी की वजह से हो सकती है। इन द पीपल ओवर एज 40 ईयर्स, 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ब्रेन ट्यूमर एंड मोर लाइकली टू काज एपिलेप्सी। ब्रेन ट्यूमर की वजह से ये बीमारी हो सकती है। हेड ट्रोमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में काज एपिलेप्सी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से भी इस उम्र में जो है ये बीमारी लाग हो सकती है। देयर इज नो नोन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो है दवाइयां जो है इसे हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकती हैं। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स। दीज आर टर्म्ड एंटी कोवलेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। बच्चे, हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इन्हें इसको अच्छी तरह याद साथ साथ किया होगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इस चैप्टर का टेस्ट भी हम सेंड कर देंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।